करीब 1.5 साल पहले मैंने अपने चैनल पे एक व्लॉग बनाया था, जहाँ पर मैं अपने पापा के साथ दूध सागर नाम के बहुत मशहूर लोकेशन पे गया था। और उस ट्रैक को काफ़ी टाइम हो गया, इसीलिए आई वॉज वॉचिंग ऑल दोज ओल्ड वीडियोज़ एंड वी रियली कम अ लॉन्ग वे। पर तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपने पापा को कभी फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो पापा, वेलकम टू माई चैनल। इन्हें ट्रैकिंग करने का बहुत शौक है, और आज हम किधर जाने वाले हैं? पेब फोर्ट जाने वाले हैं हम। उसको विकेट गढ़ भी कहते हैं, और ये माथेरान करके एक हिल स्टेशन है, पुणे और मुंबई के बीच में है। तो वो माथेरान के नज़दीक ये फोर्ट है। लेट्स गो। सो ट्रैक का जो बेस पॉइंट है, उस बेस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जर्नी को हमने ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जर्नी का सबसे पहला पार्ट अभी वाला पार्ट था, जहाँ पर हम घर से एक कॉमन मीटिंग पॉइंट पे आ गए, और अब यहाँ से एक 2.5 घंटे की बस जर्नी है, जहाँ पर मैं मोस्टली सोने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा। आई डोंट थिंक मैं सो पाऊँगा बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, पर यहाँ पर हमारी बस आ चुकी है। इट्स गोना बी अ लॉन्ग एंड फन राइड। कितने बजे पहुंचोगे? ब्रेकफास्ट कब होगा? लंच कब होने वाला है? ठीक है, ट्रेल के बारे में भी बताया जाएगा। सारी डिटेल्स दे देंगे जब सब लोग ऐड हो जाएंगे। ओके, सो अभी 9 बज गए हैं, और ट्रैक का जो दूसरा पार्ट था, जो जर्नी का दूसरा पार्ट था, यानी कॉमन पॉइंट से ट्रैक के स्टार्टिंग के पॉइंट तक पहुंचना, वो अभी अभी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और सच बोलूँ तो मेरे एक्सपेक्टेशन से एक्सप्रेसवे पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, मेनली बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, और बीच में एक मैंडेटरी वॉशरूम ब्रेक भी था। बस में ट्रैक पांडा वॉज काइंड इनफ टू गिव अस सम ब्रेकफास्ट। समोसा, एक सैंडविच और केक। और फूड की बात की तो घर से निकलने के पहले मैंने 3 चिकन सैंडविचेस इन टोटल पैक किया है, एंड इन टोटल मैंने 300 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट को उन 3 सैंडविचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं अपना प्रोटीन गोल एटलीस्ट हिट करूँ। आई नो कि हम यहाँ पर थोड़ा से पार्ले जी एक्सेट्रा भी खाने वाले हैं, बिकॉज ग्लूकोज सिंपल कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल ट्रैकिंग। सो आई वॉन्ट यू गैस टू डिवाइड योर सेल्फ इन टू ग्रुप्स ऑफ 5, बिकॉज वी गोना टेक अ टैक्सी एंड देयर आर 5 पीपल इन 1 कार। सो just divide yourself and stand accordingly. Boys train chalti hai Nehrul se Mathiram, but it is closed right now because of monsoon. तो फन फैक्ट, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को माथेरान पता है, पर माथेरान एक बहुत ही कमाल का हिल स्टेशन है। मैं यहाँ पर अपने मम्मी पापा और एक और दोस्त के साथ आया था, और माथेरान जाने वाला जो रास्ता है वो सॉर्ट ऑफ ये रेल रोड है, एंड मुझे जो भी बचपन के मेमोरीज थे वो थोड़े थोड़े वापस आए। Thank you.
सो हमने करीब 1.5 घंटा नॉन स्टॉप हाइकिंग किया और अभी हम इस ब्यूटीफुल लोकेशन पे पहुंच गए हैं। इस पॉइंट को फोटो पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर वहाँ सब लोग फोटोज निकाल रहे हैं। बट थोड़ा सा हाइड्रेशन करना पड़ेगा बिकॉज आज अनफॉर्चुनेटली बारिश नहीं हो रही है। फॉर दोज ऑफ यू हु हाइक अलॉट, बारिश में आप इतने डिहाइड्रेट नहीं होते एंड अभी इट्स वेरी हॉट। ये बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, पर पसीना बहुत आया है, पानी कम पिया है, इसीलिए इन्होंने हमें ORS सोल्यूशन दिया जो मैं अभी इस बॉटल के अंदर डालूंगा और इस पूरे पानी को खत्म करूंगा। पर एक चीज है, मुझे अचानक से ऐसे बहुत चक्कर एक्सेट्रा आने लगा, इसीलिए आई थिंक ऊपर वाले पॉइंट से पहुंचने के पहले उन्होंने जो पार्ले जी दिया है उसकी बहुत मदद होगी। आई कैन एक्चुअली फील द डिहाइड्रेशन और मेरे बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है ऐसे लग रहा है। सो हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हाउस द जोश। हाय सर। हाउस द जोश। हाय सर। ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो फीलिंग, जो मिस्टीरियस सी खुशी मिलती है वो बहुत अनएक्सप्लेनेबल होती है। देयर इज जस्ट अ वेरी डिफरेंट वाइब ओवर हियर, मैं कहूँगा। यहाँ पर लोग कम है, ट्रैफिक का एक भी आवाज़ नहीं है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, जो भी हवा है वो बहुत फ्रेश है। एंड ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो भी स्ट्रगल्स रहते हैं दे ऑल सीम वर्थ इट। सुबह 3 o'clock को उठना, 3 बजे कौन उठता है यार, 3 बजे सुबह सुबह आधे मरे हुए स्टेट में खाना बनाना, समहाउ घर से निकलना ह्यूमिडिटी में, कीचड़ में हाइक कर करके ऊपर वाले पॉइंट तक पहुँचना, एवरीथिंग सीम्स वर्थ इट। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हाइकिंग, मैं कहूँगा। ट्रैकिंग ये जो स्पोर्ट है, इट टीचर्स यू कि आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने पड़ेंगे, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट एंड दैट्स व्हाई आई लव इट।